हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एस के कन्नो क्रिएशन चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप की फायर लॉयन क्रिएटिव फोटो एडिटिंग ओनली स्नैपसीड ऐप से। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं इस टाइप की फोटो एडिटिंग तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में मैंने कम्प्लीट और एक एक स्टेप को क्लियर बताया है। अगर आप लोग एक बार वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आसानी से ऐसा फोटो एडिट कर पाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को एडिटिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं डायरेक्ट स्नैपसीड ऐप में। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मैंने स्नैपसीड में अपने मॉडल के ओरिजिनल फ़ोटो को ओपन कर लिया है। अगर आप लोगों में से किसी को भी डाउट हो रहा हो इस वाले ओरिजिनल फ़ोटो को देख के और थंबनेल पर लगे ओरिजिनल फ़ोटो को देख के, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इस मॉडल के फ़ोटो पर न्यू ईयर वाली फोटो एडिटिंग वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया है, आप लोग जाकर एक बार उस वीडियो को देख लेना। अगर जिस किसी को भी डाउट हो रहा होगा तो उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने मॉडल के फ़ोटो में बैकग्राउंड को डार्क करेंगे। उसके लिए यहाँ पे पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ पे विंटेज वाले टूल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे 12 नंबर का फिल्टर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ब्राइटनेस को थोड़ा सा डिक्रीज करना है -20 के आसपास, और सेचुरेशन को डिक्रीज करना है -100 के आसपास, और स्टाइल स्ट्रेंज को इनक्रीज करना है +70 के आसपास, और यहाँ पे बिगनेट स्ट्रेंज को भी थोड़ा सा इनक्रीज करना है +40 के आसपास, और यहाँ पे राइट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लेयर वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे व्यू एडिट पर, और यहाँ पे विंटेज पर, और यहाँ पे पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे विंटेज को इसको 100 रखना है और बैकग्राउंड पर ड्रॉ करना है इसको। तो जैसे जैसे मैं बैकग्राउंड पर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी कर लेना, बस मॉडल को छोड़ना है और बाकी के सब पार्टों पर इसको ड्रॉ करना है। तो चलिए मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ अपने मॉडल के फ़ोटो पर बैकग्राउंड में। वीडियो लंबा होने के चक्कर में वीडियो में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है, जिससे आप लोगों का ज़्यादा टाइम डिस्टर्ब ना हो वीडियो को देखने में। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I've
इतना करने के बाद अब यहाँ पे राइट पर क्लिक करना है और यहाँ पे बैक वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब मैं फोटो में एक और फायर पीएनजी ऐड करूंगा, तो उसके लिए यहाँ पे पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ पे डबल एक्सपोजर वाले टूल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे इमेज प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना, तो यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से मैं एक और फायर पीएनजी ऐड कर लूंगा। फायर पीएनजी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो अब मैं इस फायर पीएनजी को अच्छे से सेट कर लूंगा, इसको नीचे की तरफ सेट करना है। जैसे मैं इसको सेट कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी कर लेना। इसको सेट करने के बाद अब यहाँ पे इस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसके ब्लेंडिंग मोड को ऐड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे राइट पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे लेयर वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ पे व्यू एडिट पर और यहाँ पे डबल एक्सपोजर पर यहाँ पे पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे इस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, यहाँ पे इसको केवल मॉडल के पेज से इरेज करना है। जैसे मैं इरेज कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी कर लेना, बस मॉडल के पेज पर आए तो आप लोगों के। इसको इरेज करने के बाद अब यहाँ पे राइट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे बैक वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब हम फोटो में एक और फायर इफेक्ट पीएनजी ऐड करेंगे, उसके लिए यहाँ पे पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ पे डबल एक्सपोजर वाले टूल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे इमेज प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से हम फायर इफेक्ट पीएनजी ऐड कर लेंगे। फायर इफेक्ट पीएनजी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे इस वाले आइकॉन पर क्लिक करना और यहाँ पे इसके ब्लेंडिंग मोड को ऐड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे राइट पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे लेयर वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ पे व्यू एडिट पर और यहाँ पे डबल एक्सपोजर पर और यहाँ पे पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे इस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ पे डबल एक्सपोजर को जीरो करके इसको मॉडल के पेज से इरेज कर लूंगा मैं। तो जैसे जैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी कर लेना, ओनली मॉडल के पेज से इरेज करना है इसको। इतना करने के बाद अब यहाँ पे राइट पर क्लिक करना है और यहाँ पे बैक वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब हम अपने मॉडल की फोटो में थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट और करेंगे, उसके लिए यहाँ पे पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ पे ट्यून इमेज वाले टूल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ब्राइटनेस को इनक्रीज करना है 12 के आसपास और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा इनक्रीज करना है 4-5 के आसपास और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा इनक्रीज करना है प्लस के 4 और एम्बियंस को भी थोड़ा सा इनक्रीज करना 12 के आसपास। हाईलाइट को डिक्रीज करना -15 के आसपास। शेडोज को इनक्रीज करना +8 के आसपास और यहाँ पे बाम को +1 रखना है और यहाँ पे राइट पर क्लिक कर लेना है। लगभग हमारा फोटो एडिट हो चुका है, अब हम पोर्ट्रेट इफेक्ट और ऐड कर लेंगे फोटो में। तो उसके लिए यहाँ पे पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ पे पोर्ट्रेट वाले टूल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे स्मूथ वन वाला फिल्टर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पेस स्पॉटलाइट को थोड़ा सा इनक्रीज करना है +30 के आसपास और स्किन स्मूथिंग को +30 रखना और आई क्लैरिटी को +20 कर लेना और यहाँ पे राइट पर क्लिक कर देना है। तो इसी के साथ हमारे मॉडल का फोटो कंप्लीट एडिट हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग कैसी लगी। तो हम इस फोटो को सेव कर लेंगे, उसके लिए यहाँ पर सेव वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारे मॉडल का फोटो सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।